ओम शांति। आज बाबा के 9 जून 2021 के साकार मधुर भाव वाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बाबा बच्चों पर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। ये ज्ञान की बरसात आत्मा को शीतल बना देती है, न केवल एक जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए ही शीतलता काम आती है। जैसे बरसात होती है तो धरनी शीतल हो जाती है, ये ज्ञान की बरसात है जिससे विकारों की तपत शांत हो जाती है। यहाँ तक कि सत्युग में भी सदा बाहरी मौसम रहता है, वहाँ पे ना कोई इच्छा है और ना ही कोई तत्व तमो प्रधान होता है, सूर्य भी सतो प्रधान होता है। अब बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको याद करते ही सबका मुख मीठा हो जाता है, स्वर्ग का नाम लेते ही सबका मुख मीठा हो जाता है। जो देव कुल की आत्माएं हैं, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही इन ज्ञान की बातों को समझेंगे। हम सो हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। विराट रूप के चित्र में शिव बाबा को ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को देवता बनाने का कार्य करते हैं। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। बाबा आकर के बच्चों को अपने बारे में, ड्रामा के बारे में सारे राज बताते हैं। ये तो बाप जाने, बच्चे जाने, जिनको बाबा ने ज्ञान दिया और ना जाने कोई। बाबा निराकार निरंकारी है, उसकी महिमा गाई जाती है, एक ओंकार निराकार निरंकारी। कितना ऊंचे से ऊंचा बाप है पोजीशन वाला, फिर भी कोई अहंकार नहीं। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद नहीं करेंगे तो माया का गोला लग जाएगा, अवस्था मुरझा जाएगी। ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, ऊंचे से ऊंचा इम्तहान है, इससे ऊंची पढ़ाई कोई होती नहीं। बाबा कहते मैं आप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लेके आया हूँ, मैं ही तुम्हें मंत्र देता हूँ, मन मना भाव, और कोई भी ये मंत्र दे नहीं सकता। मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। तुम आत्माओं ने ही 84 जन्म लिए, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। बाबा बच्चों को फिर से देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। अब याद के द्वारा अपने विकर्मों को विनाश करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में समझाई कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, आप किसी भी आत्मा की पतित दृष्टि वृत्ति और संकल्प को परिवर्तन करने वाले हो। जैसे सूर्य निकलता है गंदगी समाप्त हो जाती है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जब आप इस स्मृति में रहेंगे तो पतित आत्माओं के संकल्प दृष्टि वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, वो आप पर बलिहार जाएंगे, आप पतित पावनी बन जाएंगे। ऐसे आप दूसरों की भी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। कुछ न कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? ऐसी कौन सी तपत है जिसको सारी दुनिया जिससे जल रही है? काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है,
सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं, जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कोई भी तपते नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसके याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमें रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाएं, तपत काहे की, तपत काहे की, काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं, इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाबा को याद करते हैं, आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। ये बरसात है ज्ञान की बरसात। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, जो सत्यों में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। एक ही बार बाबा इतना दे देते जो सत्यों में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ ना बरसात ना किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है, सदैव बहार ही बहार रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं, बाबा कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पतित शरीर, पतित दुनिया में आया हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए वही ये नॉलेज सुनेंगे, और जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थानुसार। जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थानुसार। बाबा ने समझाया, अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाबा आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, ये तुम्हारी बाजूली चलती है, ये तो बहुत सहज है। जानते हो चक्र कैसे फिरता है? विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए। विराट रूप का जो चित्र बनाते हैं, जिसमें वर्णों की जानकारी दी है, तो उसमें शिव बाबा को और ब्राह्मण जो चोटी हैं उनको भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः, तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में कितनी भूल कर दी। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता। पतित दुनिया में भगवान आकर
पतितों को पढ़ाते हैं। पतित दुनिया में भगवान खुद आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। इस पढ़ाई से आधा कल्प के लिए सतयुग त्रेता दो युगों के लिए अपनी तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुम्हें दुख नहीं होगा। इस बाबा से आप ऐसा वर्षा पाते हो जो आने वाले समय में पीढ़ी बाय पीढ़ी आपको कभी दुख नहीं होगा। भारत में ही बेहद का सुख था, ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वो जाने और ना जाने कोई। ये ज्ञान जो बाप देने वाला है वो जाने, जिनको देते हैं वो जाने और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, एक ओंकार निराकार निरंकार। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर महिमा है, एक ओंकार निराकार निरंकार। इसका अर्थ भी अब तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उन्हें कोई अहंकार नहीं। यहाँ थोड़े भी पोजीशन वाले होते हैं, कितना नशा उनको रहता। वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अब जानती है आत्म अभिमानी बनना है तभी बाबा को याद कर सकेंगे। आत्म अभिमानी बनना है तभी बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है। बाबा से योग टूटा, माया का गोला लग जाता, मुरझा जाते। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इनके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई भी पढ़ाई नहीं है। हमारी इस पढ़ाई से ऊंची कोई और पढ़ाई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की, राजयोग सीखे तब महाराजा महारानी बने। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी कैसे बने? जरूर पास्ट बर्थ में इन्होंने पढ़ाई पढ़ी, जीवन में धारण की, तब ऐसे बने। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा का राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब ये बने। जानते इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाबा आए हैं राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख होगा, वे सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई, वो राजाई कहाँ चले गई। रावण राज शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। रावण राज शुरू हुआ द्वापर से, फिर पतित बन जाते हो। बाबा कहते तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अब तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर से अपना वर्षा लेना है। तुम्हें मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वो तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती, ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेके पार्ट बजाते आए उनके ही यादगार बनते आए। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। जो सतयुग से लेके पार्ट प्ले करते हैं, यादगार उनके बने हुए हैं, चित्रों के रूप में यादगार आज भी हैं। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, फिर तुम्हारा यादगार तश्व बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उनका धर्म स्थापन होता। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो।
84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन से पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे उतरते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी मिले, ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से नूंधा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने। हम ये देवी देवता थे 84 जन्म लेकर शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ ये है। वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। वहाँ तो गलती से आत्मा को ही परमात्मा मान लिया। आत्मा का पिता है परमात्मा। हम सो देवी देवता थे, फिर हम ही क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। तुम अभी पांडव बने हो, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाबा मिला तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाबा तुम्हें दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का किसी को पता नहीं, वो कहते आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ा ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम निराकार आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती हैं। निराकार आत्मा निराकारी दुनिया में बिंदी मिसल निवास करती हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है, ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है, इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इसका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5-4 वर्ष है, ये बाबा समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की आयु 5-4 वर्ष है, ये बाबा समझाते। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है रोशनी के लिए, सूर्य चांद आदि हैं, ये कोई देवता थोड़े ही हैं, ये तो बत्तियाँ हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कहते हैं। क्योंकि ये सेवा करते हैं इसलिए इनको देवता कहते हैं। सूर्य चंद्रमा देने वाले हैं सबको। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता, बाबा आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी चीज़ को तमो प्रधान, नई चीज़ को सतो प्रधान कहा जाता। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती। आत्मा कहती ये शरीर भी पतित तमो प्रधान है। ये सत्यों में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला, स्मृति आई, हम 84 जन्म लेते हैं। ये रास बेहद का बाप समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिला कि हमने ही 84 जन्म लिए, ये रास बेहद के बाप ने समझाया। दुख में बाप को सब पुकारते हैं, रहम करो हे दुखहर्ता सुखकर्ता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा पावन खंड कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। कभी ऐसा बाप देखा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर दे, ऐसा बाप कभी देखा? कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ साथ में लाया हूँ, सौगात लेकर आया हूँ। बाबा हमारे लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन गए। पावन उसे कहा जाता जो विकार में नहीं जाते। सत्यों में संपूर्ण निर्विकारी, इस समय संपूर्ण विकारी। बाबा कहते तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। आप निर्विकारी थे, फिर आपको संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप की याद से। कैसे पॉसिबल होगा? बाबा की याद से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भाव, बहुत सुंदर अक्षर है मन मना भाव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहते मुझे याद करो। याद को योग अग्नि कहा जाता, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं। योग अग्नि से, पावरफुल योग से पाप दग्ध होते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुरली से मुख्य बात कौन सी है, याद करेंगे कुछ सेकंड साइलेंस में। बाबा की एक एक बात को साइलेंस में स्मरण करें। सुनेंगे, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं, संपूर्ण निर्विकारी बनकर देवी देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं। वरदान है सर्वात्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्वात्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति, दृष्टि भस्म हो जाएगी। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर किसी भी आत्मा को जो पतित है उसे देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकते, पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। सरल शब्दों में जो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति है, ये पतित पावनी की स्थिति है। इससे किसी भी आत्मा के पतित संकल्प और वृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए सदा इस स्वमान में रहो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। स्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं पतित पावनी मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे सूर्य की रोशनी से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों से पतित आत्माओं के पतित संकल्प, व्यर्थ संकल्प नष्ट हो रहे हैं। किचड़ा समाप्त हो रहा है, आत्मा शुद्ध बनती जा रही है। परमात्मा शक्तियों से मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने अपनी पवित्र किरणें देकर मुझ आत्मा को पावन बना दिया। अब यही बल मुझे दूसरों को भी देना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु जगा लो विवेक सारे जग का करण धाम।